हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन के प्रिंसिपल को डिटेल में। इससे पहले के वीडियो में हमने आपको बताया था होम्योपैथिक सिस्टम क्या होता है, उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट और क्या उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, और उसको प्रिंसिपल को हमने ब्रीफ में समझाया था किस तरीके से क्या बेसिक कॉन्सेप्ट होता है जिससे किसी भी डिसीज को ट्रीट किया जाता है, उसको हम ब्रीफ में समझाते हैं इससे पहले के पार्ट में। तो उस वीडियो का जो लिंक है आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो ये होम्योपैथिक सिस्टम है, ये टोटल कितने 7 प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। सबसे पहला प्रिंसिपल है इंडिविजुअलाइजेशन, सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ सिमिलिया, प्रिंसिपल ऑफ सिंप्लेक्स, प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम डोसेस एंड लॉ ऑफ प्रूविंग, लॉ ऑफ डायनामाइजेशन, लास्ट वाइटल फोर्स। तो ये हो गए टोटल 7 प्रिंसिपल जिसपे ये जो है होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन पूरा बेस्ड होता है। तो आइए जानते हैं सबसे पहला प्रिंसिपल, वो है इंडिविजुअलाइजेशन। ये क्या होता है, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है नो टू इंडिविजुअल इन द वर्ल्ड आर सेम एंड हेंस द डिसीज अफेक्टिंग द इंडिविजुअल कैन नॉट बी सिमिलर दो दे आर शेयरिंग द कॉमन सिम्टम। इसका मतलब इस वर्ल्ड में कोई भी दो इंडिविजुअल सेम नहीं होता है, इसलिए जो उस इंडिविजुअल में जो डिसीज हो रहा है वो डिसीज के लिए जो इंडिविजुअल जो रिस्पॉन्स दे रहा है वो भी सिमिलर नहीं हो सकता। मीन्स इस सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है सिर्फ इंडिविजुअल के डिसीज को देख के मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता है। मतलब कि अगर दो इंडिविजुअल है, इस इंडिविजुअल को भी सेम डिसीज मीन्स साइन एंड सिम्टम्स अपीयर हो रहा है और दूसरे इंडिविजुअल को भी सेम डिसीज और साइन एंड सिम्टम्स है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उस इंडिविजुअल दोनों इंडिविजुअल को सेम मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया जाए अकॉर्डिंग टू होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो किस तरीके से मेडिसिन को प्रिस्क्राइब किया जाता है होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, तो डिसीज को एज एन इंडिविजुअल उसमें देखा जाता है, मतलब कि इंडिविजुअलाइज किया जाता है हर एक केस ऑफ डिसीज को और उसके अकॉर्डिंग जो है मेडिसिन दिया जाता है। मीन्स होम्योपैथिक सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है अगर दो डिफरेंट इंडिविजुअल है तो उसमें अगर सेम डिसीज हुआ है तो उसके प्रिस्क्राइब किए हुए मेडिसिन जो है डिफरेंट हो सकते हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं इंडिविजुअलाइजेशन। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल जो होता है सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ सिमिलिया। सिमिलिया प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, तो इसको सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, इसका मतलब क्या होता है, सिमिलिया मतलब लेट लाइक बी क्योर्ड बाय लाइक, या कह सकते हैं लाइक डिसीज कैन बी क्योर्ड बाय लाइक मेडिसिन। मीन्स द ड्रग सब्सटेंस जो हम यूज करते हैं होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में किसी भी डिसीज को ट्रीट करने के लिए, वो ड्रग सब्सटेंस जो है वो क्या करता है, वो जो है कॉज डिसीज और प्रोड्यूसेस सिम्टम्स इन द हेल्दी इंडिविजुअल एंड कैन बी यूज टू क्योर द सेम डिसीज इन द पेशेंट। मतलब लेट लाइक बी क्योर्ड बाय लाइक, तो इस प्रिंसिपल का मतलब क्या हुआ, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो ड्रग सब्सटेंस किसी पर्टिकुलर डिसीज के जिसमें जो प्रोड्यूस सिम्टम्स है उसको ठीक करने के लिए उस ड्रग को दिया जा रहा है, वो ड्रग क्या करता है, वो ड्रग की कैपेसिटी होती है, एबिलिटी होती है टू कॉज डिसीज, मतलब कि वो ड्रग सब्सटेंस सेम डिसीज सेम सिम्टम्स जो कि इस उस पेशेंट में जो अकर हुआ था वही सिम्टम जो है जब उसको उस ड्रग को हेल्दी इंडिविजुअल में दिया जाए तो वो सेम डिसीज या सिम्टम्स वो ड्रग प्रोड्यूस करता है और इसी कारण से उस ड्रग सब्सटेंस को उस पर्टिकुलर डिसीज कह सकते हैं सेम सिम्टम्स को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ सिमिलिया। तो होम्योपैथिक सिस्टम के अकॉर्डिंग जो ड्रग सब्सटेंस किसी पेशेंट में जो डिसीज हुआ है जो सिम्टम्स अपीयर हुआ है उस डिसीज को ठीक करने के लिए जब वो ड्रग को प्रिस्क्राइब किया जाता है तो वो ड्रग सब्सटेंस क्या होना चाहिए, वो ड्रग सब्सटेंस की कैपेबिलिटी होनी चाहिए टू प्रोड्यूस सेम सिम्टम्स सेम डिसीज इन द हेल्दी इंडिविजुअल, और इसी बेस पे क्या किया जाता है वो ड्रग सब्सटेंस को उस पेशेंट को प्रिस्क्राइब किया जाता है, उस सेम डिसीज को प्रिस्क्राइब किया जाता है ठीक करने के लिए इन द स्मॉल डोसेस। तो इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सिमिलिया। तो ये हो गया सेकेंड प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ सिमिलिया। इसके बाद आते हैं थर्ड प्रिंसिपल ऑफ सिंप्लेक्स।
मतलब होम्योपैथिक सिस्टम में जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया जाता है ओनली वन सिंगल एंड सिंपल मेडिसिन एट वन टाइम, एक टाइम पे सिंगल मेडिसिन सिंपल मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया जाता है, कॉम्बिनेशन अलाउड नहीं होता है। और उसके बाद नेक्स्ट आते हैं प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम डोसेस। तो मिनिमम डोसेस यहाँ पे क्या हुआ, मीन्स होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में जो ड्रग जो है प्रिस्क्राइब किया जाता है जिस डोज में, वो मिनिमम डोज प्रिस्क्राइब करते हैं, मीन्स स्मॉल डोज प्रिस्क्राइब किया जाता है उस मेडिसिन का उस डिसीज को ठीक करने के लिए एट अ टाइम विच इज जस्ट सफिशियंट, मीन्स वो डोज क्या होता है सफिशियंट होता है टू अरेस्ट द वाइटल फोर्स ऑफ एन इंडिविजुअल, मीन्स उस पेशेंट के वाइटल फोर्स को इंड्यूस करने के लिए स्टिमुलेट करने के लिए। वाइटल फोर्स क्या होता है, हमारे बॉडी का डायनेमिक फोर्स होता है, डिफेंस मैकेनिज्म है, उसको स्टिमुलेट करने के लिए उसको ट्रिगर करने के लिए हमारी गुड हेल्थ को क्या करता है मेंटेन करता है, उसी को हम वाइटल फोर्स बोलते हैं। तो उसी को स्टिमुलेट करने के लिए वो मिनिमम डोज क्या होता है सफिशियंट होता है। तो इस सिस्टम के अकॉर्डिंग जो ड्रग का जो डोज होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द पोटेंसी ऑफ द ड्रग। पोटेंसी ऑफ द ड्रग मतलब कि उसका जो क्यूरेटिव इफेक्ट होता है, डिसीज को ठीक करने का जो पावर होता है इफेक्ट होता है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द डोज। मतलब जितना कम डोज, जितना मिनिमम डोज स्मॉल डोज, उतना उस ड्रग की पोटेंसी होती है, उतना उस ड्रग का जो क्यूरेटिव पावर है डिसीज को क्योर करने का पावर है वो एनहांस हो जाता है। तो ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम डोज। उसके बाद आते हैं फिफ्थ प्रिंसिपल, लॉ ऑफ प्रूविंग। इसका मतलब क्या होता है, ये जो होम्योपैथिक सिस्टम है वो प्रूविंग और प्रूवर के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है। प्रूविंग ऑफ मेडिसिन मतलब क्या होता है, प्रूविंग ऑफ मेडिसिन मतलब कि उस ड्रग सब्सटेंस को, डिफरेंट डिफरेंट ड्रग सब्सटेंस जो किसी पर्टिकुलर डिसीज के ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता है होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, वो ड्रग सब्सटेंस का प्रूविंग करते हैं। मतलब कि वो ड्रग सब्सटेंस की कैपेबिलिटी होती है टू प्रोड्यूस सिमिलर सिम्टम्स इन द हेल्दी इंडिविजुअल। मतलब कि वो ड्रग सब्सटेंस जिस डिसीज जिस सिम्टम्स को ठीक करने के लिए यूज किया जा रहा है, वही सेम डिसीज और वही सेम सिम्टम्स को हेल्दी इंडिविजुअल में वो प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी होती है। मतलब कि वो ड्रग जो है सेम डिसीज और सेम सिम्टम्स हेल्दी इंडिविजुअल में प्रोड्यूस करता है इन द लार्ज डोज, और इसी कारण से दैट ड्रग इज कंसिडर सुटेबल फॉर द ट्रीटिंग दैट सेम डिसीज। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रूविंग बोलते हैं। और प्रूवर क्या होता है, जिस हेल्दी इंडिविजुअल में उस ड्रग सब्सटेंस को टेस्ट किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको प्रूवर बोलते हैं। तो ये हो गया लॉ ऑफ प्रूविंग। तो इसका एग्जांपल हमने इससे पहले के वीडियो में भी बताया था, जैसे कि एग्जांपल सिंकोना। तो सिंकोना क्या है, इसको मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं। क्यों किया जाता है अकॉर्डिंग टू होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, क्योंकि ये जो है ये सिंकोना की प्रूविंग मतलब क्या हुआ, ये सिंकोना को जब हेल्दी इंडिविजुअल में लार्ज डोज में दिया जाता है तो ये क्या करता है, हेल्दी इंडिविजुअल में सेम सिम्टम प्रोड्यूस करता है एज दैट ऑफ मलेरिया। इसी कारण से उस सिंकोना को मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। तो इसी को हम प्रूविंग बोलते हैं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट सिक्स्थ प्रिंसिपल, लॉ ऑफ डायनामाइजेशन और पोटेंटाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब मेडिसिन विच आर यूज्ड इन द होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन टू ट्रीट द डिसीज शुड हैव द डायनेमिक एक्शन टू एक्ट ऑन द डायनेमिक डिस्टर्बेंस ऑफ द लाइफ फोर्स। और ये क्या होता है, मतलब हमारा जो बॉडी है उसके नॉर्मल कंडीशन को क्या करता है, प्रिजर्व करके रखता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो किसी भी इंडिविजुअल में जो डिसीज होता है, तो इस सिस्टम के अकॉर्डिंग डिसीज कैसे होता है, तो हमारी बॉडी के अंदर जो वाइटल फोर्स है, जो डायनेमिक फोर्स है, जो हमारे बॉडी को नॉर्मल स्टेट में हेल्दी कंडीशन में रखता है, वो वाइटल फोर्स जब डिस्टर्ब हो जाता है, डेविएट हो जाता है, वो वाइटल फोर्स या लाइफ फोर्स जो है डिस्टर्ब होता है, तो डिसीज कंडीशन क्रिएट होता है। तो जब हम उस डिसीज को ठीक करने के लिए जो मेडिसिन दे रहे हैं, उस मेडिसिन में भी क्या होना चाहिए, डायनेमिक फोर्स होना चाहिए, पावर होना चाहिए उस डायनेमिक डिस्टर्बेंस को, उस लाइफ फोर्स की जो डायनेमिक डिस्टर्बेंस हुआ है उसको ठीक करने के लिए। इसी कारण से ड्रग को भी क्या किया जाता है, डायनामाइज किया जाता है या पोटेंटाइज किया जाता है। किस तरीके से ड्रग को हम पोटेंटाइज करते हैं, तो डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, जैसे ट्राइचुरेशन हो गया या
सेशन हो गया, डाइल्यूशन हो गया, इस तरीके से हम उस ड्रग को पोटेंटाइज करते हैं और ड्रग्स पोटेंटाइज किया जाता है टू एनहांस द क्यूरेटिव पावर। तो पोटेंटाइजेशन या कह सकते हैं उसके डाइल्यूशन से क्या होता है, उस पर्टिकुलर ड्रग सब्सटेंस का जो क्यूरेटिव अफेक्ट है, जो उसका डायनेमिक जो फोर्स है वो क्या होता है, वो एनहांस होता है उस पर्टिकुलर डिसीज को ठीक करने के लिए। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डायनेमाइजेशन, ये कह सकते हैं लॉ ऑफ पोटेंटाइजेशन। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं लास्ट प्रिंसिपल वाइटल फोर्स। तो वाइटल फोर्स क्या है, ये वाइटल फोर्स हमारे बॉडी का डायनेमिक पावर होता है जो क्या करता है, प्रिजर्व करके लगता है लाइफ फोर्स को और उसके नॉर्मल स्टेट को, जो क्या इंडिकेट करता है, गुड हेल्थ को। मीन्स हमारे बॉडी का गुड हेल्थ जो है, जो हेल्थ है हमारा किस तरीके से मेंटेन होता है ड्यू टू दिस डायनेमिक पावर। ये कह सकते हैं हमारे बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो हमारे बॉडी को हेल्दी कंडीशन में रखता है, यही डायनेमिक पावर, यही वाइटल फोर्स। और ये वाइटल फोर्स जो है ऐसे फोर्स से के अगेंस्ट लड़ता है जो फोर्स क्या करते हैं हमारे बॉडी में डिसीज क्रिएट करते हैं, साइन एंड सिम्टम्स अपीयर होता है जिसकी वजह से। तो उन फोर्सेस के अगेंस्ट जो है ये हमारे बॉडी का जो वाइटल फोर्स है वो अगेंस्ट इसके काम करता है। और अगर ये जो वाइटल फोर्स जो है ये वीक हो जाता है तो डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, डिसीज साइन एंड सिम्टम्स अपीयर होता है। तो क्या किया जाता है, इस सिस्टम में जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया जाता है उस मेडिसिन का भी क्या होना चाहिए, उस मेडिसिन में डायनेमिक पावर होना चाहिए, मीन सफिशिएंट एनर्जी होना चाहिए उस डिसीज को ठीक करने के लिए और हेल्दी बॉडी को मेंटेन करने के लिए। मीन्स ये जो सिस्टम है ये नेचुरल लॉ ऑफ हीलिंग पे बेस्ड होता है, मतलब जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया जाता है वो मेडिसिन का जो सफिशिएंट डोज हम प्रिस्क्राइब करते हैं वो मेडिसिन क्या करता है, ट्रिगर करता है या कह सकते हैं कैटलाइटिंग एजेंट की तरह काम करता है जो हमारे बॉडी के जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, उसको स्टिमुलेट करता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर डिसीज। तो ये हो गया 7 प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट इन होम्योपैथिक सिस्टम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आज का जो कंटेंट है हमने लिया है फार्माकोग्नोसी इन फाइटोकेमिस्ट्री की बुक वॉल्यूम 1 बीडी रंगारी से और फार्माकोग्नोसी इन फाइटोकेमिस्ट्री की बुक बिरेन साइन AK सर से। थैंक यू।